अब हर कैटेगरी में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि आप सिर्फ वीडियो अपलोड करके YouTube पे सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर आप YouTube पे वाकई में नाम बनाना चाहते हैं, वाकई में YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, तो YouTube को लेकर आपको सीरियस होना होगा। YouTube पे आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, रेगुलर आपको वीडियो अपलोड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप यूट्यूब के रेस में अकेले नहीं है, आपके साथ लाखों लोग दौड़ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर एक सेकेंड के लिए भी रुकते हैं, एक मिनट के लिए भी रुकते हैं, तो आपसे हजारों लोग आगे निकल जाएंगे और आप उनसे पीछे हो जाएंगे। भले ही आप बीमार हैं, भले ही आपका वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन YouTube ये नहीं देखता है। अगर आप अपने चैनल पे रेगुलर काम नहीं करते हैं, तो YouTube आपके चैनल को बूस्ट करना बंद कर देता है। चाहे आपका नया चैनल हो, चाहे आपके चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों ना हो, अगर आप रेगुलर काम नहीं करेंगे तो YouTube आपके चैनल को डाउन कर देता है। आपने खुद देखा होगा कि जब आप रेगुलर काम करते हैं तो धीरे धीरे व्यूज बढ़ने लगता है। जैसे आज 10 व्यूज आ रहा है, कल 12 आएगा, 15 आएगा, लेकिन अगर आप 2-4 दिन के लिए रुक जाते हैं तो वापस से आप वहीं पर आ जाते हैं। तो यही चीज होता है कि अगर आप YouTube पे रेगुलर काम नहीं करते हैं तो YouTube आपके वीडियो को बूस्ट नहीं करता है। और 99% नए क्रिएटर गलती यही करते हैं कि जब वो चैनल नया नया बनाएंगे तो अपने चैनल पे रेगुलर काम करेंगे, 1-2 महीना तो वो जोर शोर से रेगुलर वीडियो डालेंगे, लेकिन जब उनके वीडियो पर व्यूज नहीं आता, और ये नॉर्मल बात है कि जब आप अपने चैनल को नया बनाएंगे, अभी आपने नया नया वीडियो डालना चालू किया है, तो आपके वीडियो पे उतना व्यूज नहीं आएगा, और जब व्यूज नहीं आता है तो हर एक क्रिएटर का मोरल डाउन हो जाता है, फिर वो अपने चैनल पे उतना रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड करते हैं। पहले वो 7 के 7 दिन वीडियो अपलोड करते थे, अब वो क्या करेंगे कि 7 में 5 दिन वीडियो अपलोड करेंगे, 2 दिन का गैप कर देंगे, फिर 3 दिन का गैप करना चालू कर देंगे, और जब व्यूज नहीं बढ़ेगा तो फिर वो हफ्ते में 1 वीडियो डालेंगे, 2 वीडियो डालेंगे। और YouTube को भी आपके वीडियो को समझने में, आपके वीडियो को बूस्ट करने में समय लगता है। YouTube भी देखता है कि लाखों क्रिएटर आ रहे हैं, उसमें से कौन रेगुलर काम कर सकता है, कौन अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, उसी के हिसाब से YouTube भी आपके वीडियो को बूस्ट करता है। और जब तक YouTube आपको समझता है, जब तक YouTube आपको बूस्ट करना चाहता है, तब तक आप अपने वीडियो को डालना ही बंद कर देते हैं, आप रेगुलर काम ही नहीं करते हैं। तो मैंने देखा है कि जितने भी 99% क्रिएटर मुझे मैसेज करते हैं कि मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मिस्टेक किया है। और YouTube का एक रूल है कि अगर आप शुरू में मिस्टेक करते हैं, जैसे आपने चैनल बनाया, आपने शुरू में रेगुलर वीडियो नहीं डाला, तो फिर आप बाद में कितना भी रेगुलर वीडियो डालिए तो उसे अपग्रेड होने में, उसे फिर व्यूज आने में समय लग जाता है। लेकिन अगर आप एक नए चैनल पर शुरू से रेगुलर काम करते हैं तो YouTube आपके वीडियो को शुरू से समझता है और अच्छे से बूस्ट करता है। YouTube का एल्गोरिथम भी इसी तरीके से काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने आज एक वीडियो अपलोड किया, अब उस वीडियो को अगर 1000 लोगों ने देखा और उसमें से अगर किसी ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर भी अगर आप अगले दिन वीडियो डालेंगे तो YouTube ऑटोमेटिक आपके वीडियो को रेकमेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए आज मैंने एक वीडियो डाला और अगर आज आपने हमारे वीडियो को देख लिया और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर भी मैं कल जो वीडियो डालूंगा ये वीडियो हम आपके पास पहुंचेगा, भले आप उसको देखें या ना देखें। तो इसी तरीके से सबके साथ होता है। अब यहीं पर अगर मैं आज वीडियो डाला, आज आपने हमारे वीडियो को देख लिया, अब कल मैं वीडियो डालूंगा ही नहीं तो YouTube आपके पास क्या भेजेगा, फिर परसों मैं वीडियो नहीं डालूंगा तो YouTube आपके पास क्या भेजेगा। तो जो इंप्रेशन होता है, इंप्रेशन आपका गायब हो जाता है। फिर आपने देखा होगा कि चैनल पे इंप्रेशन ही नहीं जाता है, जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो इंप्रेशन ही नहीं जाता है। इंप्रेशन इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि YouTube के पास जो हिस्ट्री है, जितने लोगों ने आपका वीडियो देखा, वो हिस्ट्री YouTube के पास पहुंच गया। अब आप नया वीडियो अपलोड करेंगे तो YouTube को पता है कि हाँ ये बंदा उसका पुराना वीडियो देखा, तो ये वाला वीडियो भी उसको भेजना है। लेकिन जब आप 4-5 दिन वीडियो ही नहीं अपलोड किए, 1 हफ्ता आपने वीडियो ही नहीं अपलोड किया, तो YouTube के पास वो जो इंप्रेशन वाला हिस्ट्री था वो गायब हो गया। अब आप वीडियो अपलोड करोगे तो YouTube को खुद समझ में नहीं आएगा कि इसका वीडियो मैं कहां भेजूं, किसको दिखाऊं, क्योंकि YouTube आपके इंप्रेशन को भूल चुका है। तो आपको यहां पर रेगुलर काम करना होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा, हर एक कैटेगरी को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो टेक कैटेगरी हो, कुकिंग कैटेगरी हो, हर एक कैटेगरी में रोजाना हजारों क्रिएटर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर वही सक्सेस हो पाएगा जो रेगुलर काम करेगा। अगर आप रेगुलर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ना YouTube का एल्गोरिथम आपको समझ पाएगा, ना ही आपका वीडियो सर्च में जाए। रेगुलर काम करने के साथ साथ आपको स्मार्ट काम करना है, सही तरीके से काम करना है, क्योंकि YouTube पे आज इतने लोग आ रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं कि वो रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, फिर भी उनके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। इसका मेन कारण है कि अगर आप रेगुलर वीडियो
वीडियो डाल रहे हैं और आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सर्चेबल कंटेंट नहीं अपलोड कर रहे। आप अपने कैटेगरी में सर्चेबल कंटेंट डालिए और बाकी लोगों को वीडियो को देखकर आप सीखिए कि वो किस तरीके का वीडियो बना रहे हैं। अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जब तक आप मल्टीपल चीजों को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। जैसे कि अगर आप एक ही जैसा वीडियो, एक ही जैसा थंबनेल रोजाना बनाएंगे तो आपका एक वीडियो नहीं चला तो दूसरा भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट ट्राई करेंगे, जैसे कि आज आपने जो वीडियो बनाया उसका टाइटल आप हिंदी में डालिए, थंबनेल अलग डिजाइन का बनाइए, कल जो आप वीडियो डालेंगे उसका आप टाइटल अंग्रेजी में डालिए, थंबनेल अलग डिजाइन का बनाइए, परसों जो आप वीडियो डालिए उसका टाइटल हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स करके डालिए और थंबनेल अलग डिजाइन का बनाइए। तो जब आप डिफरेंट चीज ट्राई करेंगे तो कोई ना कोई तरीका यूट्यूब के एल्गोरिथम में फंस जाएगा और आपका एक वीडियो वायरल हो जाएगा, एक वीडियो आपका सर्च में चला जाएगा। एक वीडियो अगर आपके सर्च में चला जाता है तो यूट्यूब के पास बहुत ज्यादा इंप्रेशन पहुंच जाता है, यूट्यूब के पास डेटा पहुंच जाता है कि इसका वीडियो इतने लोगों ने देखा। फिर आप अगला वीडियो किसी भी तरीके से अपलोड करेंगे तो यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आपका वीडियो भेजेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा वीडियो बनाया है कि जिन्होंने आपका पहला वीडियो देखा वो आपका दूसरा वीडियो भी देखेंगे। और आप देखेंगे जितने भी बड़े चैनल है, जैसे कि मान लेते हैं कैरी मिनाटी हो गया या फिर मान ले आशीष चंचलानी हो गया, जो बड़े बड़े चैनल है जिनके पास 20 से 30 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो सिर्फ रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड करते हैं क्योंकि उनको पूरा इंडिया जानता है। इसके अलावा आप और जैसे टेक में बड़े चैनल ले लीजिए, जैसे टेक्निकल गुरु जी हो गए, तो वो भी गैप नहीं लेते हैं, रोजाना दो वीडियो अपलोड करते हैं। उनको तो रोजाना अपलोड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास तो 10-20 मिलियन सब्सक्राइबर है। टेक बर्नर को आप ले लीजिए, 10 मिलियन सब्सक्राइबर के आसपास है, लेकिन वो रोजाना वीडियो अपलोड करते हैं क्योंकि ये जो कैटेगरी है, जैसे 2-4 यूट्यूबर को अगर हम छोड़ दें, इसके अलावा जितने भी क्रिएटर हैं उनको पता है कि अगर वो रेगुलर काम नहीं करेंगे तो उनका जो इंप्रेशन है वो डाउन हो जाएगा। यूट्यूब ये नहीं देखता है कि इनका चैनल नया है, इनका चैनल पुराना है, इनका छोटा चैनल, इनका बड़ा चैनल है। अगर आप रेगुलर काम नहीं करोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि उसके पास इंप्रेशन ही नहीं रहेगा। अब जब यूट्यूब के पास इंप्रेशन का हिस्ट्री नहीं है तो आप अगला वीडियो डालोगे तो यूट्यूब किसको भेज देगा। तो बड़े से बड़े चैनल भी रेगुलर काम कर रहे हैं, आपको रेगुलर करना होगा। साथ ही साथ आप अपने वीडियो को मॉनिटर कीजिए। सिर्फ वीडियो बनाने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, वीडियो जब आप डालते हैं तब आपका असली काम चालू होता है। अब जैसे कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने 7 एप्लीकेशन बताया था। अब जब मैंने उस वीडियो को डाला तो वो मेरा वीडियो पूरी तरीके से डाउन चला गया, मतलब कि 8 नंबर पर रैंक कर रहा था। टॉप 10 में जो UIT स्टूडियो में दिखाता है टॉप 10 वीडियो, उसमें 8 नंबर पर रैंक कर रहा था। तो मैंने तुरंत उस वीडियो का टाइटल चेंज किया, तुरंत उस वीडियो का थंबनेल चेंज किया और फिर 3-4 घंटे बाद वो वीडियो टॉप 1 पर आ गया। तो आपको देखना है कि पिछला आपने जो 10 वीडियो अपलोड किया उस वीडियो में ये वीडियो कितने नंबर पे है। अगर आपको लगता है कि यार ये वीडियो तो 1 नंबर पे जाना चाहिए था, ये वीडियो 2 नंबर पे जाना चाहिए था, तो आप अपने हिसाब से उसके टाइटल को चेंज कीजिए, थंबनेल को चेंज कीजिए, उसमें कुछ एक क्रिएटिव डालिए कि वीडियो को अच्छा रखने के साथ साथ आप क्लिक बेट भी कीजिए। जब आप क्लिक बेट करते हो और आपका वीडियो भी अच्छा नहीं होता है तब आपको गाली पड़ता है, लेकिन अगर आपने वीडियो जबरदस्त बनाया है, वीडियो में अच्छी चीजें आपने बताया है, फिर आप क्लिक बेट करेंगे तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। थंबनेल में आप कुछ ऐसा लिखे, क्लिक बेट का मतलब यही होता है कि थंबनेल में हम कुछ ऐसा लगा देंगे या थंबनेल में कुछ ऐसा लिख देंगे, टाइटल में कुछ ऐसा लिख देंगे जिससे कि लोग जैसे ही हमारे थंबनेल को देखेंगे वो ना चाहते हुए भी आपके वीडियो के ऊपर क्लिक करें, वो ना चाहते हुए भी आपके वीडियो को देखें। तो आपको यहाँ पे क्लिक बेट करना होगा, थोड़ा सा आपको चीटिंग करना होगा, लेकिन आपने मेहनत से वीडियो बनाया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियंस भी चीजों को समझती है और ऑडियंस भी आपको अप्रिशिएट करेगा। तो आप यहाँ पे साधु महात्मा मत बनिए, अपने कंटेंट को जबरदस्त रखिए, उसी के साथ आप क्लिक बेट भी कीजिए। सभी बड़े बड़े क्रिएटर क्लिक बेट करते हैं, चाहे आप मनोज दे को ले लीजिए या फिर आप यूट्यूब वाले बाबा को ले लीजिए, सभी लोग अपने थंबनेल में कुछ ऐसा क्लिक बेट करते हैं, कुछ ऐसा धांसू चीज लिख देंगे, धांसू चीज लगा देंगे जिससे कि ना चाहते हुए भी आप उनके वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अगर यूट्यूब पे सक्सेस होना है तो आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा, साथ ही आपको क्लिक बेट भी करना पड़ेगा। और यूट्यूब का अगर मैं बोलूं हार्ट जो है, जैसे कि हम लोगों का जो दिल होता है सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, अगर आपका दिल नहीं रहेगा आप जीवित नहीं रहेंगे, उसी तरीके से यूट्यूब वीडियो का जो हार्ट होता है वो थंबनेल होता है। जब तक आप अपने थंबनेल के ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि थंबनेल ही आपके वीडियो का कपड़ा है, सबसे पहले आप अपने कपड़े को अच्छा कीजिए, तभी लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपको जज करेंगे कि ये अच्छे घर से, खराब घर से, अमीर घर से, गरीब घर से है, वो आपका कपड़ा ही सबसे पहले दिखाता है। तो आपने वीडियो कितना
कितना भी अच्छा बनाया हो, लेकिन अगर आपने थंबनेल बनाने में चूक गए, थंबनेल बनाने में आपने काम चोरी किया, तो वो चीज आपको आगे चलकर प्रॉब्लम देगा, उससे भी आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा। और आप सिर्फ थंबनेल के दम पर भी अपने वीडियो को रैंक करा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में आपने खुद देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे ऐसे थंबनेल लगा देते हैं कि वीडियो नॉर्मल होता है, वीडियो में कुछ नहीं होता है, लेकिन उनके सिर्फ थंबनेल के दम पे वीडियो पे 2-4 मिलियन वो व्यूज ले जाते हैं। तो आप अपने थंबनेल बनाने में समय दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना समय आप अपने वीडियो को देते हैं, जितना समय लगाकर आप एक वीडियो बनाते हैं, उसका आप 2-3 गुना समय लगाकर एक थंबनेल को बनाइए। जैसे मैं खुद जब 10 मिनट का वीडियो बनाता हूं, तो मुझे 10 मिनट का वीडियो बनाने में आधे घंटे तक का समय लग जाता है, लेकिन थंबनेल बनाने में मैं 1 घंटा समय देता हूं, 1-1.5 घंटा मुझे सिर्फ थंबनेल बनाने में लग जाता है। क्योंकि जो थंबनेल आप देखते हैं बहुत ही सिंपल है, उसमें एक एक चीज को ऐड करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हम इस थंबनेल को डिफरेंट बना सकते हैं। तो थंबनेल जब तक आपका जबरदस्त नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, तब तक आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लीजिए, लोग आपके वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं ले पाएंगे, लोग आपके वीडियो पर क्लिक ही नहीं करेंगे। फिर आप वीडियो में अंदर कितना भी अच्छा बता रहे होंगे, कितना भी अच्छा आपने समझाया हो, उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपका टारगेट है कि लोग आपके वीडियो पे क्लिक करें, दूसरा आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर किसी ने वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो ज्यादा से ज्यादा वो आपके वीडियो को देखे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा कि आप अपने वीडियो को अच्छा कपड़ा पहनाइए, मतलब कि थंबनेल जबरदस्त रखिए, दूसरा आपने वीडियो में जो अच्छी तरीके से समझाया है तो जाहिर सी बात है जो उस पर क्लिक करेगा वो आपके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेगा। और जब ज्यादा लोग आपके थंबनेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट, वो भी बढ़ता है। तो इससे YouTube को समझ आता है कि यार इसके वीडियो पे ज्यादा लोग क्यों क्लिक कर रहे हैं, तो YouTube खुद ऑटोमेटिक आपकी वीडियो को बूस्ट करना चालू कर देता है, सर्च में भेजना चालू कर देता है। तो ये जबरदस्त चीज है। बहुत सारे लोग आपको गुमराह करेंगे, ये करो वो करो, लेकिन मैं कोई सेटिंग और कोई ट्रिक के बारे में बात नहीं करता हूं। जो चीज रियल होता है, जिससे वाकई में YouTube पे वीडियो रैंक करता है, वही चीज मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।